हेलो भाई और बहनों, क्या हाल चाल। तो भाई आज हम बात करने वाले एक बहुत ही ट्रेंडिंग चीज़ के बारे में, हाँ जो कि अभी ट्रेंड में नहीं है बट बहुत ही जल्दी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आने वाली है। वो है सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा सीरीज़। अल्ट्रा इसमें मैंने अलग से लगा दिया क्योंकि वो फ़ोन का नाम ज़्यादा याद रहता है, बट सैमसंग की S24 सीरीज़ बहुत ही जल्दी जनवरी में लॉन्च होने वाली है। एंड सैमसंग पता नहीं क्यों एक एक महीने करके इसे पीछे करता जा रहा है, उन्हें भी काफ़ी जल्दी है इस रियलमी और MI की तरफ। बट हाँ, फ़ोन जनवरी 2024 में आने वाला है एंड फोन में स्पेक्स एंड र्यूमर जो निकल के आ रहे हैं भाई वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। तो उसी के ऊपर ये पूरी वीडियो होने वाली, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, वीडियो बहुत ही क्रेजी होने वाली है। वीडियो बना रहा कि बेच रहा। तो बात करें सैमसंग एस सीरीज की डिजाइन की, तो भाई सैमसंग S24 सीरीज में सबसे बड़ी चीज होने वाली है डिजाइन इंप्रूवेशन। जो ये सारी चीजें वो एजेस का राउंड थी और वो जितनी भी चीजें इनकी कर्व होती थी ना, वो इनने सब कुछ फ्लैट कर दी है। मतलब जो सैमसंग के S24 है, S24 प्लस है, उनमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। बट भाई जो सैमसंग का मेन फोन है, जो टॉप फोन है सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, उसमें इतने ज्यादा चेंजेस किए गए हैं, मतलब उसमें हर चीज स्क्वायर कर दी गई है। पूरा फोन स्क्वायर है, डिस्प्ले, पीछे का बैक पैनल सब कुछ एकदम स्क्वायर होने वाला है एंड नीचे की तली है जहां पर एस पेन है उसको भी एकदम फ्लैट कर दिया गया है। मतलब ओवरऑल फोन आपको स्क्वायर मिलने वाला है, जिससे कि आप फोन को सीधे खड़े भी कर सकते हो। एंड उसके अलावा फोन में बहुत सारे और भी डिजाइन में चेंजेस कर दिए गए। उसके वेट को बढ़ा दिया गया है, थोड़ा सा 233 ग्राम इस बार फोन का वजन होने वाला है एंड 0.1 इंच से फोन पतला हो रहा है। मेरे को नहीं पता ये कंपनियां क्यों करती हैं, खाली हमारे दिमाग के साथ खेलती हैं, लेकिन साइज में अंतर है। एंड डिस्प्ले साइज की बात करें तो भाई डिस्प्ले पहले 6.7 इंच की आपको मिलती थी, इस बार डिस्प्ले मिलने वाली है 6.8 इंच की, मतलब 0.1 इंच से डिस्प्ले का साइज बढ़ा दिया है। और ये भी डिस्प्ले पूरी आपको फ्लैट मिलने वाली है, मतलब फ्लैट एकदम रेक्टेंगल डिस्प्ले कोर दिखने वाली है। एजेस जो मेरे हिसाब से शायद किसी फोन में, जो कि पहले फोन आते थे उनमें ऐसे डिस्प्लेज होती थी, तो एक बहुत ही ज्यादा नया कॉन्सेप्ट आने वाला है, आपको दिखने वाला है बहुत ही एकदम नया लुक, एक डिजाइन सैमसंग लेके आ रहा है अपने फोनों में। ये मेरे हिसाब से एक्सपेरिमेंट होगा, लेकिन मेरे हिसाब से भाई ये बहुत ही ज्यादा केड़ी चीज होने वाली। कमेंट सेक्शन में बताओ आपको ये वाला डिजाइन कैसा लग रहा है सैमसंग का इन फोटोज को देखकर। इसके स्पेक्स की, तो भाई एकदम नए ब्रांड न्यू स्पेक्स इसके अंदर आने वाले हैं। एप्पल की तरह नहीं, दोगलापन नहीं होगा, आपको बिल्कुल नए स्पेक्स मिलेंगे एंड हर फोन में सेम स्पेक्स मिलेंगे। मतलब सेम स्पेक्स का बात करूं तो सेम स्पेक्स नहीं होंगे बट प्रोसेसर वगैरह सब कुछ सेम ही मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें इसके प्रोसेसर की, तो वो होने वाला है इसके अंदर गैलेक्सी का भाई स्नैपड्रैगन 8 Gen 3। आप कहोगे इसमें गैलेक्सी कहां से आया भाई, इसको गैलेक्सी के लिए अलग से ट्यून कर रखा है हर बार की तरह, मतलब पिछले साल की तरह। तो एकदम ब्रांड न्यू प्रोसेसर होने वाला है गैलेक्सी के लिए एंड अदर भी फोन के लिए। एंड्रॉइड का वन ऑफ द फास्टेस्ट प्रोसेसर होने वाला है, प्लस ये AI को सपोर्ट करता है अच्छे से, केबिलिटी है इसके अंदर AI को सपोर्ट करने, तो भाई AI भी इस फोन के अंदर भर भर के होने वाली है। प्लस इस फोन के अंदर आने वाली है 2 TB की मैक्स स्टोरेज, फोटो खींचो, वीडियो बनाओ, गेम डाउनलोड करो, ऐप डाउनलोड करो, ये स्टोरेज फुल नहीं होने वाली। रैम आने वाली है एकदम 16 GB एट द टॉप, 16 GB भाई गेमिंग के लिए तो अल्ट्रा फास्ट फोन हो जाएगा। 10 PUBG एक साथ खेलो फिर भी फोन पर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। 16 GB रैम बहुत ज़्यादा होती है। एंड इसके अलावा बात करें इसके डिस्प्ले क्वालिटी की, तो भाई इसमें 2K डिस्प्ले मिलने वाले, जिसकी ब्राइटनेस को फाइनली सैमसंग ने बढ़ा दिया 1750 निट्स से सीधे 2500 निट्स। एप्पल की फाड़ दी भाई, एप्पल की अच्छे से फाड़ दी इन्होंने, बहुत ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले इस बार अपने फोन्स में यूज़ किया है। एंड सैमसंग डिस्प्ले खुद बनाता है, तो भाई आपको पता है सैमसंग की डिस्प्ले कसम से इतने ज़्यादा चुम्बेसरी डिस्प्ले आने वाले हैं एंड नया डिज़ाइन, तो डिस्प्ले भाई कितना ही ज़्यादा ब्राइट एंड गजब का दिखने वाला है। अब की बार बेजल्स जो है उनको और भी ज़्यादा कम किया गया, एक्चुअल में आंखों से नज़र आएगा काफ़ी ज़्यादा बेजल्स को कम कर दिया गया एंड डिस्प्ले कर्व नहीं है, तो भाई आपको थोड़ा सा शायद अजीब लगे अगर आप एक सैमसंग के एस सीरीज ऑलरेडी यूज़ करते थे। भाई एकदम नया डिज़ाइन, एकदम यूनिक डिज़ाइन आपको देखने को मिलने वाला है। अगर आप आईफोन वगैरह चलाते हो फिर भी आपको ये चीज़ फ़र्क नज़र आएगा कि भाई कुछ नया सैमसंग ने किया है। बात करें इसके सॉफ्टवेयर की, तो इसमें One UI 6 के साथ अब ये फोन आने वाला है, जो कि बेस्ड होने वाला है Android 14 पर। तो इसके अंदर Android 14 तो होने ही वाला है, उसके अलावा AI के भर भर के फीचर्स होने वाले हैं, जो कि मैंने आपको बताया भाई AI के इतने ज़्यादा फीचर्स इस फोन के अंदर होने वाले हैं। AI केवल इतना ज़्यादा फोन है कि आपको बहुत ज़्यादा काम इस फोन पे उंगलियों से नहीं करने का, आप सिर्फ बोलो, कह दो भाई ये सारे काम खुद समझ के कर लेगा एंड ये बहुत ज़्यादा केपेबल AI अपने अंदर रखता है। तो आईफोन की तो ऐसी की तैसी कर देगा ये फोन, और बहुत ज़्यादा फोटोज़ और वीडियोज़ में AI को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जिस वजह से इस बार आईफोन की वीडियोज़
जिसके लिए आप भाई 1.5 लाख रुपए देते हो ना, वो सिर्फ फीके पड़ने वाले हैं। मुझे पता है ये फ़ोन भी 1.5 लाख का होने वाला है, लेकिन भाई और ज़्यादा फीचर्स तो देखो, आईफोन सिर्फ आप एक लोगों के लिए लेते हो, इसमें फीचर्स यही कि इतने ज़्यादा होने वाले हैं कि किसी को खरीदने की जरूरत ही नहीं। आईफोन मत खरीदो, आईफोन सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा लो, मजे आ जाएंगे। तो फाइनली अब इसे बात करें कैमरों की, तो भाई कैमरे में बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट की जा रही है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया फोटोज और वीडियोज में एआई को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उसी हिसाब से कैमरे में भी काफी ज्यादा एआई को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इस वजह से फोटोज वीडियोज बहुत अच्छी आएंगी ही, वीडियोज में भी बहुत ज्यादा चीजों को चेंजेस किया जा रहा है कलर ट्यूनिंग में, एंड उसके अलावा फोटोज की क्लियरिटी वगैरह में भी। ऊपर से इसके जूम को और भी ज्यादा बढ़ाती है, मतलब पहले से सोचो S23 का जूम कितना ही ज़्यादा पावरफुल होता है, एंड S24 अल्ट्रा में जूम और भी ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। उसके अलावा इसका कैमरा जो होने वाला है वो 200 मेगापिक्सल का ही मेन कैमरा होने वाला है, बट उस सेंसर को अप कर देंगे 1 इंच सेंसर, जो कि फाइनली बहुत ज़्यादा लाइट को कैप्चर करेगा, एंड फोटोज़ एकदम मक्खन आएंगी। मतलब कितना भी फोटो को जूम कर लो, फोटो एक भी ब्लर नहीं होगी, फोटोज को डिटेल को मिस नहीं करेगी, एंड उसके अलावा फोटोज तो तगड़ी होने वाली है, वीडियोस में भी भाई जूम बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। फोटोज में तो जूम कर ही सकते हो, वीडियोस में भी अच्छे से वीडियो को जूम करके देखो, वीडियो में क्लैरिटी में कुछ भी आपको कमी नजर नहीं आएगी। कैमरे बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं इस फोन के, तो भाई मक्खन आराम से फोटोज खींचो, वीडियोज बनाओ, आईफोन को फेंक दो बस। बात करें इसके कंक्लूजन की, तो भाई फोन ओवरऑल कैसा होने वाला, तो फोन ओवरऑल बहुत ही तगड़ा मास्टरपीस आने वाला है। सैमसंग का ये फोन जनवरी में लॉन्च होने वाला है, इसका प्राइस ओवरऑल आपको वही मिलेगा 1,40,000 1,30,000 के समथिंग, जो कि पहले से थोड़ा हुआ बड़ा हुआ आपको शायद लग सकता है, बट यार देखो चीज़ें बहुत ज़्यादा नई की जा रही हैं, ऊपर से इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, तो प्राइस थोड़ा सा तो हाइक करेगा। जैसे आप आईफोन के प्राइस में ज़्यादा नहीं कूदते, इसके प्राइस भी मत कूदो। एंड हाँ, कमेंट सेक्शन में ये मत लिखना आईफोन के बारे में उल्टा सीधा, बाकी लिखो मजे से, मैं कमेंट्स पढ़ने के लिए बैठा हूँ। उसके अलावा वीडियो आपको कैसे लगी जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, वीडियो को कर दो लाइक, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी इंतजार करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S20 सीरीज का, सॉरी S24 सीरीज का, मैं भी बावला हो चुका हूँ, इतना अच्छा फ़ोन होने वाला है।